आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉची रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। इससे पहले जो हमने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उनमें हम देख रहे थे कि फंक्शंस जो थे वो कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स थे और ये जो प्रॉब्लम्स है वो पोलर बेस है। इसमें क्या है प्रॉब्लम में, कई बार जो क्वेश्चन है हम देख रहे हैं पीछे कॉम्पिटिशंस में लगातार कार्टेशियन के रिपीट होते रहे, लेकिन एक्सपेक्टेड यह आग है कि पोलर पर क्वेश्चन आएगा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि किसी समय कॉची रीमन इक्वेशंस हमें सबसे पहले पोलर फॉर्म में पता होनी चाहिए कि पोलर फॉर्म में कॉची रीमन इक्वेशंस कैसे दी जाती हैं। तो यहाँ जो फंक्शंस है एक्स वाई वो आर और थीटा के होंगे। तो अगर हमारे पास में एफ जेड आर ई की आई थीटा फॉर्म में है, इट मीन्स ये हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हमारा होगा एक्स प्लस आई वाई। तो इसका मतलब होगा x हमारा होगा r cos थीटा और y होगा हमारा r sin थीटा। तो यहाँ प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो r और थीटा के फंक्शन है। तो अगर ऐसा है r x और y r और थीटा के फंक्शन है, तो जो एफ जेड होगा वो भी r और थीटा का फंक्शन होगा। तो हम किसी समय पे कॉची रीमन इक्वेशंस अगर हम ओबे कराएंगे जब फंक्शंस r और थीटा का होगा, तो उसमें करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव u का r के रेस्पेक्ट, डेल u अपॉन डेल r और 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो। और डेल वी अपॉन डेल थीटा की जो वैल्यू है वो -r डेल वी अपॉन डेल r हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ओबे हो रही हैं तो u और v दोनों किसी समय पे एनालिटिक प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे होंगे और फंक्शन एनालिटिक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम ले रहे हैं अपनी तरफ से डिस्कस करने के लिए कि हम किसी समय अगर हमारे पास फंक्शन है और उसका u पार्ट हमें किसी समय गिवन है, तो वी पार्ट हम कैसे एवेल्यूएट करें। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एफ जेड है यू आर थीटा, मींस यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई का है और एक्स वाई आर ओ थीटा के हैं, तो यू फंक्शन है आर थीटा का, क्योंकि पोलर की प्रॉब्लम है। आई वी आर थीटा, वी फंक्शन है आर थीटा का, ये रियल पार्ट और ये इमेजरी पार्ट। इसमें गिवन है यू की वैल्यू गिवन है माइनस आर क्यूब साइन थ्री थीटा और वी पूछा है फाइंड वी एंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये प्रॉब्लम हमने अपनी तरफ से ले ली है डिस्कस करने के लिए। इसी पर बेस और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से कॉची रीमन इक्वेशन से। उसमें हम लगाएंगे कि यू की वैल्यू को फिर से लिख लिया हमने माइनस आर क्यू साइन थ्री थीटा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं आर के रेस्पेक्ट, तो डेल यू अपॉन डेल आर होगा हमारा माइनस थ्री आर स्क्वायर साइन थ्री थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट हम करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल थीटा होगा माइनस थ्री आर क्यू कॉस थ्री थीटा, क्योंकि साइन थ्री थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो थ्री कॉस थ्री थीटा होगा, वो ही हमने किया है थीटा के रेस्पेक्ट। अब क्या करते हैं कि किसी समय हमें अगर u गिवन है और हम किसी समय v चाहते हैं निकालना, तो हम कैसे निकालें। dv को लिखें डेल वी अपॉन डेल आर डी आर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डी थीटा, मीन्स पहले v का r के रेस्पेक्ट चेंज निकाल लें और dr के चेंज से कितना चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट कर लें। ऐसे ही v का पहले थीटा के रेस्पेक्ट चेंज निकाल लें और फिर डी थीटा से कर लें, तो ये थीटा का चेंज बताएगा, और फिर दोनों का चेंज को ऐड कर दें तो ये डी वी कहलाएगा, नेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वी, डी वी का मीनिंग ये होगा। तो डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हमारे पास डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी माइनस वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये हमने यहाँ पुट की माइनस वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा डी आर। डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये आएगी डेल वी अपॉन डेल थीटा आर डेल यू अपॉन डेल आर, वो यहाँ पर लिख लेंगे इनटू डी थीटा, ये यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि किसी समय डेल यू अपॉन डेल थीटा हमारे पास ये है और डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर माइनस थ्री आर क्यू कॉस थ्री थीटा डी आर माइनस थ्री आर क्यू साइन थ्री थीटा डी थीटा। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वी हमें तभी एवेल्यूएट होगा जब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से वैल्यू 3r स्क्वायर cos 3 थीटा dr माइनस 3r क्यूब sin 3 थीटा d थीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दिए और दिस वन यहाँ पुट किया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो v है यहाँ देख रहे हैं ये जो फंक्शन है वो r के रेस्पेक्ट हमें इंटीग्रेट करना होगा और ये थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हमारे पास में एन डी आर फॉर्म है और ये हमारे पास ये इस फंक्शन को m कहते हैं तो m d थीटा है। तो हम क्या करते हैं कि किसी समय पर जब v को इंटीग्रेट करते हैं, तो जब r के रेस्पेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन, तो थीटा को हम किसी समय पर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, थीटा को
इंटीग्रेट नहीं करते, केवल आर के रेस्पेक्ट कर देते हैं। और सेकंड फंक्शन में हमारे पास अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस समय पे हम आर की जो टर्म्स हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो रख देते हैं उनकी वैल्यू। और अगर आर की वैल्यू इसमें जीरो रख के ये फंक्शन जीरो हो जाता तो इसको फिर निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें क्वेश्चन में क्या किया, इस पूरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया आर के रेस्पेक्ट। यहाँ से 3r³/3 cos 3 थीटा आएगा जो हमारे पास ये वैल्यू है, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसके अंदर हम देख रहे हैं r आ रहा है, तो r को जीरो करते हैं ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा v=r³cos³θ। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी समय पर f(z) की जो वैल्यू होती है u+iv होती है, तो u हम लिख देंगे, u हमारे पास है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, -r³sin³θ ये हमने यहाँ रख दिया। v की वैल्यू हमने यहाँ से वैल्यूट कर दी, वो यहाँ पुट कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, r³ को कॉमन निकाल देते हैं इससे, तो -sin³θ/i+cos³θ बन जाएगा ये, और ये i से i कैंसिल आउट कर लेंगे। और फिर हम या इसको क्या कर लेते हैं, किसी समय पे इस पूरे को सॉल्व करके लिख सकते हैं i³ (i sin³θ + cos³θ). तो ये i³ ये बन जाएगा, इस टर्म को पहले लिख देते हैं, इस टर्म को बाद में लिख लेते हैं। ये हमारे पास e⁻ij जो होता है वो cos z + i sin z होता है, उससे हमारी ये वैल्यू बन जाती है e⁻ (i³θ), और ये वैल्यू i³ ऐसा सच रहेगी। इसको हम किसी समय पर i को बाहर रख लेंगे, इसको लिख देंगे r e⁻ (i³θ³), तो फंक्शन जो f(z) होगा वो i³ आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चंस दो तरीका के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे कंपटीशंस की दुनिया में, क्योंकि कार्टेशियन पे तो क्वेश्चंस लगातार आते रहे तो उम्मीद कर सकते हैं पोलर पे। तो पहले क्वेश्चंस में या तो दो तरीका की प्रॉब्लम्स मुझे उम्मीद है, यू दे रखा है सॉल्व करने के लिए, कई बार ऐसा भी कर सकता है कि वो यहाँ वी दे मीन्स इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट पूछ ले, तो उसमें आप सेम पैटर्न से चल सकते हैं। बस क्या करना होगा फिर हमें, यहाँ अगर किसी समय ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो जस्ट इसका रिवर्स करके चलना पड़ेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पर तैयार रखें अपने आप को, क्योंकि आज है आने वाले समय में कोई ना कोई क्वेश्चन इस पोलर फॉर्म में आने वाला है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, देखते रहिए अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।